अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन और वेलकम टू फिजिक्स 101 चैप्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर 2। हमने बात की थी जनाब कुछ डायमेंशंस की लेक्चर नंबर 1 के अंदर, होपफुली आपको वो कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। आज हम बात करेंगे काइनेमैटिक्स 1 की। हमने एक डायमेंशन को यहाँ से स्किप आउट किया था, स्किप करने से मुराद के उन्होंने मैं आपको यहाँ पर छुड़वा दिया था, चूँकि अगर आपको नेक्स्ट चैप्टर समझ आएगा तो ये आपको ऑटोमेटिकली चीज़ समझ में आ जाएगी। देखिए जनाब, यहाँ पर आपको बताने का मकसद ये है कि सबसे पहले हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। याद रखें, डिस्टेंस हम कहते हैं, जो डेफिनेशन मेरे माइंड में है या जो आपको मैं एक सिंपल वर्ड में डेफिनेशन समझाता चलूँ, तो डिस्टेंस का मतलब होता है द डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड द डिस्टेंस, जबकि डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये होता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। तो यहाँ पर देखें, अब आपके पास इसी तस्वीर में मैं अगर आपको समझाऊँ तो अगर आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव अप करना है तो दिस मीन्स कि आपको डिस्टेंस तय करना पड़ेगा, और अगर आप डायरेक्टली यहाँ से यहाँ पर मूव अप करते हैं तो आपको डिस्प्लेसमेंट तय करना पड़ेगा। खैर, ये एक अलग बहस है, यहाँ से आपका पेपर नहीं आता, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी जो है वो क्लियर किया था। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में बात करेंगे जो कि आपके पेपर में बहुत दफ़ा पूछी जाती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जी, एक्स टी इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट, आपका जो एक्स ऑफ टी है ये आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, एंड इट डिनोट द पोजिशन ऑफ अ बॉडी एट अ टाइम। If the displacement is positive, then the body is to be right of the chosen origin, and if negative, then it is to be left. ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है आपकी कि अगर आपका डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव होगा तो आपकी बॉडी राइट वाली साइड पे मूव अप करेगी, और अगर आपका ओरिजिन जो है वो नेगेटिव होगा तब आपका जो मूवमेंट होगा वो लेफ्ट वाली साइड पर हो जाएगा। इफ अ बॉडी इज मूविंग विद एवरेज स्पीड v, देन इन टाइम t इट कवर अ डिस्टेंस d इक्वल टू vt। ये बेसिकली आपके पास डिस्टेंस की डेफिनेशन है कि d इक्वल टू v मल्टीप्लाई बाय t। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि मतलब अगर आपको डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन नहीं आ रही आपके पेपर में और आपको फार्मूले का पता है तो आप ये भी लिख सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ द वेलोसिटी विद टाइम इज कॉल्ड द डिस्टेंस। उसके अलावा ये इसके एवरेज स्पीड का फार्मूला देख लीजिए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम डेल्टा टी ओवर डेल्टा टी, ये आपके पास एवरेज स्पीड का फार्मूला है जो कि आपसे पेपर में एज एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। उसके आगे वो डिफाइन, हम डिफाइन करेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब ये होता है कि किसी भी जगह पर अगर आपने वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है तो वो आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। अब यहाँ पर इसने आपको डेफिनेशन तो नहीं बताई हुई, आपको यहाँ पर इसने एक्सप्लेनेशन भी नहीं दी हुई, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि बस आपने इतनी सी बात को याद कर लेना है कि अगर आपने किसी भी पॉइंट पर, मिसाल के तौर पे ये आपके पास एक डायग्राम है, आप चाहते हैं कि हमने इस पॉइंट पर आके वेलोसिटी को फाइंड करना है, तो ये आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को फाइंड करने का। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब कि आप किसी भी बॉडी की किसी भी जगह पर जाके किसी भी चीज़ की जो वेलोसिटी है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। फाइंड आउट कैसे करेंगे हम, इस फार्मूले के थ्रू, डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी। और ये बात याद रखिएगा, जो डेल्टा एक्स है ये एक्स टी नॉट एक्स टी टू माइनस एक्स टी वन डिवाइडेड बाई टी टू माइनस टी वन, ये इसके बराबर है, ठीक है। जो डेल्टा एक्स है वो टी टू माइनस टी वन, और जो डेल्टा टी है ये खाली टी टू माइनस टी वन, जो एक्स है इसके साथ एक्स आएगा। तो इसको फार्मूले को याद कर लीजिएगा, ये फार्मूला आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके आगे चौथा पॉइंट हम देखते हैं, तो जस्ट वी हैव डिफाइन द वेलोसिटी एट द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। ये आपके पास वेलोसिटी की डेफिनेशन है कि वेलोसिटी होती क्या है। वेलोसिटी का मतलब ये होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, कि आप अपने डिस्टेंस का जो रेट है, यानी कि आप जो चेंज कर रहे हैं, आप जो कवर कर रहे हैं डिस्टेंस को, तो कंटिन्यूसली आपका डिस्टेंस कवर हो रहा है। इस कैटेगरी को, इस फिनोमेने को हम जो है वेलोसिटी का नाम देते हैं। उसके आगे हमारे पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आ जाता है। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फार्मूला डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी होता है, जबकि आपके पास जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फार्मूला होता है वो डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी होता है। माइनर से इसके अंदर डिफरेंस है, होपफुली आप इसको याद रखेंगे। यहाँ पर भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि हेयर डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी आर बोथ वेरी स्मॉल क्वांटिटीज। जहाँ पर भी स्टूडेंट्स वर्ड डेल्टा आ जाता है तो इसका मतलब होता है स्मॉल क्वांटिटीज, ये बात याद रखिएगा। उसके आगे वो कह रहा है कि एक्चुअली ये बहुत स्मॉल क्वांटिटी होता है, नियरली इक्वल टू जीरो होता है, लेकिन ये हमेशा डेल्टा का मतलब ये नहीं होता कि ये जीरो है। आप इसको ये कह सकते हैं कि नियरली इक्वल टू जीरो है, मिसाल के तौर पर 0.5, 0.6, 0.4, अब ये नियरली इक्वल टू जीरो है, नॉट इक्वल टू जीरो नहीं है। और नेगेटिव एक्सेलरेशन होती है वो डिक्लेरेशन कहलाती है या डी एक्सेलरेशन कहलाती है, ये बात याद रखिएगा। जो नेगेटिव एक्सेलरेशन होती है वो डी एक्सेलरेशन या डिक्लेरेशन कहलाती है। और द स्पीड ऑफ डिक्लेरेशन, जो स्पीड होती है डिक्लेयरिंग की, हमेशा वो डिक्रीज करती है टाइम के साथ साथ, ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कुछ स्टूडेंट जो है वो पजल हो जाते हैं एक्सेलरेशन को, तो आपने पजल नहीं होना, आपने अच्छी तरह इसकी प्रैक्टिस कर लेनी ताकि आप इन फ्यूचर या पेपर के अंदर किसी भी तरह का आपको कोई मुश्किल का सामना जो है वो ना करना पड़े। उसके आगे फॉर कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन, अगर आपने कोई कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन जो है वो बॉडी की मूव करनी है, या आपने उसको इंक्रीज़ या आपने मई
क्लियर करना है तो आप कैसे करेंगे, आप इस फार्मूले के थ्रू करेंगे कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। ये वाला जो आपको साइन नजर आ रहा है बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है, और V अगर आपने इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को खत्म करना है तो आपको एक कॉन्स्टेंट का वैल्यू इस्तेमाल करनी पड़ती है। तो यहाँ पर जो कॉन्स्टेंट वैल्यू है डेट इज ए, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखें वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है, और अगर आपने इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को खत्म करना है तो आप कॉन्स्टेंट लगाएंगे और वो कॉन्स्टेंट यहाँ पर होगा ए, और उसके साथ टी जो है वो एज इट इज आ जाएगा। तो ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई। उसके आगे देखें तो अब आपको मजीद एक इक्वेशन बना के दिखा रहा है कि वी नो हम जानते हैं कि जब आपकी बॉडी मूव करती है कॉन्स्टेंट स्पीड के साथ तो दिस मीन्स कि आपको आपका टाइम रिक्वायर्ड होता है। डेफिनेटली अगर आप एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ टाइम तो लगा होगा पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मूव अप करने में। इस तरह से इफ़ द स्पीड, अगर जो स्पीड है वो इंक्रीज करती है लीनियरली तो कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन जो है, देन द आंसर इज पर्टिकुलर सिंपल। अगर आप जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं लीनियर, लीनियर का मतलब होता है एक सिंपल वे में, सिंपल सीधी तरह जा रहे हैं, तो आपको जो एवरेज स्पीड मिलेगी या आप जो एवरेज स्पीड को मेजर कर सकते हैं वो ये वाली इक्वेशन होगी v0 plus at डिवाइडेड बाय 2। इस इक्वेशन के थ्रू आप अपना जो एवरेज स्पीड है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके आगे वो कह रहा है वी कैन एलिमिनेट द टाइम यूजिंग 7 एंड अराइव एट अनदर यूजिंग फार्मूला दैट टेल अस व्हाट द फाइनल स्पीड विल बी आफ्टर द बॉडी हैज ट्रैवल्ड अ डिस्टेंस इक्वल टू x माइनस x नॉट आफ्टर टाइम t v स्क्वायर इक्वल टू v नॉट प्लस 2a x माइनस x नॉट। अब इसका मतलब ये है कि आपने अगर एलिमिनेट करना है, निकाल देना है अपने फार्मूले में से क्या एक फाइनल स्पीड को, तो आपको इस तरह का फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। बहरहाल जी ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप स्किप आउट कर सकते हैं। उसके आगे हम बात करेंगे वेक्टर की। वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी होती है डेट हैज़ अ साइज एज वेल एज डायरेक्शन। जिस क्वांटिटी का साइज भी होता है और जिसका जिसकी डायरेक्शन भी होती है, मिसाल के तौर पे ये एरो आपको नजर आ रहा है तो देखें इसका साइज भी है और ये आपको एक प्रॉपरली डायरेक्शन भी शो कर रहा है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। द विंड ब्लोज विद सम स्पीड एंड इन सम डायरेक्शन, जैसे आपको ये हवा की एग्जाम्पल दे रहा है, विंड का मतलब हवा होता है, तो विंड की जो वेलोसिटी होती है यानी विंड एक अपना वजूद भी रखती है और इसकी कोई डायरेक्शन भी होती है, वो लेफ्ट टू राइट चल सकती है, वो राइट टू लेफ्ट चल सकती है। इसी तरह से वो आपको मजीद बता रहा है कि अगर वेक्टर को लिखने का तरीका क्या होता है। वेक्टर में बेसिकली तीन कंपोनेंट्स होते हैं एक्स वाई जी, वो भी हम इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस करेंगे। अभी जो आपको बताया जा रहा है वो आपको ये बताया जा रहा है कि हम वेक्टर को लिख कैसे सकते हैं। तो वेक्टर को लिखने के दो तीन तरीके होते हैं, यहाँ पर आपको इन्होंने एरो के जरिए बताया हुआ है। अगर आपने कोई भी वेक्टर को शो करना है तो आप उसके ऊपर एरो लगा सकते हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इस ए को वेक्टर शो करूँ तो मैं ए लिखूंगा और उसके ऊपर जो है वो एरो आ जाएगा। तो ये लिखने का तरीकेकार होता है वेक्टर को, ये शो करता है कि ये हमारा जो ए है ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है। उसके आगे एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पेपर में पूछी जाती है, और ये आर एक्स के बराबर होता है। इस तरह जो आर वाई है इक्वल टू वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, ये भी आपसे पेपर के अंदर पूछी जाती हैं और ये आपके न्यूमेरिकल्स के अंदर भी आगे जाके बहुत ज्यादा इस्तेमाल होंगी, तो इसको अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर लीजिएगा। उसके आगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको भी अपने माइंड में ज़हन नशीन कर लें। ये तमाम तरह इक्वेशंस वेक्टर को शो करती हैं। और टेन थीटा इक्वल टू वाई ओवर एक्स, ये भी आपके इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, आपके न्यूमेरिकल के अंदर जाके बहुत ज्यादा इस्तेमाल है इसका। उसके आगे टू वेक्टर्स कैन बी एडेड टुगेदर, वो कह रहे हैं कि दो वेक्टर्स को हम जो है वो एक साथ ऐड कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं ज्योमेट्रिकली। ज्योमेट्रिकली से मुराद कुछ ऐसे रूल्स और रेगुलेशन होते हैं जिनको फॉलो करना होता है, और उन रूल्स को फॉलो करने के बाद हम दो वेक्टर्स को बड़ी आसानी से ऐड कर सकते हैं। एक तरीका आप जूनियर क्लास में पढ़ के आ चुके हैं। अब यहाँ पर देखें एक हेड टू टेल रूल जिसको हम कहते हैं जूनियर क्लासेज में, वही आपको बताया जा रहा है कि दो वैक्टर्स हैं यहाँ पर, वैक्टर ए आप इसको कह लें और वैक्टर बी आप इसको कह लें। तो अब यहाँ पर देखें ये वाला जो आपको नज़र आ रहा है जिसकी टेल टेल के साथ है और हेड हेड के साथ है, तो बेसिकली यही आपका वेक्टर होता है। मैं अगर आपको उसको जूम करके दिखाऊं तो ये देखें, जिसकी टेल टेल के साथ होती है और जिसका हेड हेड के साथ होता है उसको हम जो है वो हेड टू टेल रूल कहते हैं। और इसी तरीके से आप अपने वेक्टर को जो है वो बड़ी आसानी से मेजर कर सकते हैं। उसके आगे टू वेक्टर्स कैन बी एडेड अलजेब्रिकली, आप अलजेब्रिक कली भी इसको ऐड कर सकते हैं। कैसे ऐड करेंगे, जिसने यहाँ पर देखें इसके कुछ रूल्स और रेगुलेशन होते हैं वो आई थिंक आपको नेक्स्ट लेक्चर में जी बताएगा। तो स्टूडेंट्स ये आपका लेक्चर टू था, होपफुली आपको समझ में आ चुका होगा। कोई चीज़ समझ नहीं आई मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई आप उसे कमेंट्स अपना कमेंट लीव कर दें कमेंट बॉक्स में, इंशाल्लाह आपके साथ कमेंट बॉक्स में आपका कॉन्सेप्ट मजीद रिप्लाई करके अच्छी तरह से क्लियर कर दिया जाएगा।